भैया आप एक मौका नहीं छोड़ेंगे। हाँ पर एक दिन मैं जीत गई थी भैया को डरा के, पता है? आपको 100 बार में से एक बार। मैं तुम दोनों का वीडियो निकाल रही हूँ। देखा भैया ना ऐसी है। ऐसे पहले भी ना मेरे को पता नहीं चलता था, मैं चाय लेके आती थी, मुझे लगता था ये मोबाइल पे कुछ कर रहे हो। और मुझे बाद में पता चला कि ये वीडियो निकालते हैं। मुझे अभी तुझे क्या तुझे कब पता चला ये बता मुझे? मुझे पहले बड़ी मैडम से पता चला। हाँ। और फिर बाद में मम्मा का गाँव से फोन आया तो मम्मा से पता चला मेरे को। ये तो मुझे इतने दिन कुछ भी पता नहीं था कि मेरे वीडियोस निकल रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। और फिर मम्मा को गुस्सा नहीं किया? नहीं, क्यों? वो जो मम्मा खुश हो गई इसलिए मेरे को कुछ नहीं लगा, बोली चलो अच्छी बात है। तुझे पता कितने करोड़ों लोगों ने तेरा वीडियो तेरे वीडियोस देखे? करोड़ों। ओह माय गॉड, मतलब ऐसे लोगों को भी पसंद करते क्यों नहीं? कैसे लोग मतलब? गोलू मोलू। तेरी मैडम खुद काफी गोलू मोलू है, डोंट वरी। मेरे से कम है। आगे जो मेरा अभी शर्त लगी है क्या कि अभी 6 महीने में उसको 5 किलो कम करना है। 5 किलो सिर्फ 5 किलो 6 महीने में इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे अभी ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं, कुछ शुरू नहीं किया है उसने। नहीं किया है ना भाग्यश्री? ना वो मैडम मैंने आपको बोला नहीं, सुबह मैं योगासन करती हूँ। और अभी मैंने अभी रात को ये भी शुरुआत की है, पैच और ड्रामा को घुमाने भी लेके जाती। तू एक्चुअली दौड़ती है? दौड़ती नहीं हूँ मैं, थोड़ी दौड़ ऐसे करने लगती हूँ। अच्छा उस दिन वो उन्होंने अनाउंस किया था टीवी पर कि मड आइलैंड में, सिर्फ मड आइलैंड में रहेजा में ही भूकंप आया, तो वो तू भाग रही होगी। और एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी, शुक्र है बिल्डिंग नहीं गिराई। यस थैंक यू। मतलब थोड़ा मैंने लाइटली भूकंप लाया। वो कुछ सड़क पे थोड़े खड्डे बड्डे हैं। ओह भैया आप भी अब ऐसे करने लग गए। तू तो खुद बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। बोलता बस हेल्दी रहो और कुछ नहीं, बस तो हेल्दी तो हो ना भाई। हेल्दी ही हो, वेरी हेल्दी, ज्यादा ही हेल्दी हो। वो दिखना चाहिए ना खाते पीते घर की हो, खाते पीते घर में काम करती हो। नहीं तो अगर सुपड़े हो जाओगे, अरे बोलेंगे इसकी मैरिज को बस काम ही करवा लेती और कुछ नहीं करती। एक तो ऐसे बदनाम करते हैं, फिर तो और इसलिए मैं सोचती कि चलो थोड़ा तो हेल्दी रहना बनता है। हाँ तू मेरी रेपुटेशन और मेरा नाम बनाने के लिए खा रही है। थैंक यू वेरी मच भाग्यश्री। ऐसा नहीं मतलब बोला जाए कि हाँ लड़की बाबा खा पी के सुखी है इस घर में, कोई बात का टेंशन नहीं है। वो जो चॉकलेट्स मैंने तुझे दी थी उसमें से बची कुछ? अभी लास्ट 2 बची है। बचाई तूने? तो आप भी बोले इतना मत खा के और फैल जाए। भैया आप एक मौका नहीं छोड़ेंगे। हाँ पर एक दिन मैं जीत गई थी भैया को डरा के, पता है? 100 बार में से एक बार। भैया आप समझ नहीं सकते वो फीलिंग क्या होती है। आपको डराना मतलब सोचो भैया इतना डिफिकल्ट काम मैंने किया है, सोचो। वो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। एक ड्रॉअर में मैंने बहुत ही चिपकलियां रखी हुई हैं, अब वो खोल के मैं तुम्हारे रूम में डाल दूंगी। बदला भाग्यश्री, आयुष्मान का बदला। मतलब ये मेरे को दिन में 1000 बार डालते हैं। 1000 बार में मैं एक बार अगर डालो तो उसको इतना बड़ा सजा कैसे मिल सकती है, सोचो। ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। ये मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। हाई कोर्ट मेरे ऊपर चिपकली डालूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कभी मना थोड़ी किया है। छोड़ भैया, मजाक था।